नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। माफिया आतिक अहमद और अशरफ को लेकर यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की अब तक की जांच में पता चला है कि दोनों मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजकर आतंकी संगठन से जोड़ते थे। इसके एवज में उन्हें हथियारों की खेप मिलती थी। ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे जाते थे। एटीएस इस बात की जाँच में जुटी है कि ऐसे कितने युवा हैं जिन्हें आतिक और अशरफ ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने भेजा है। माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ द्वारा जिमशान कमर को भी नहीं प्रयागराज से कई मुस्लिम नौजवानों को विदेश भेजने और आतंकी संगठन से जुड़ने की भूमिका सामने आई है। इसके बदले आतिक और अशरफ को इनाम के रूप में पाकिस्तान से हथियार की खेप भेजी जाती थी। यूपी एटीएस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि सितंबर 2021 को यूपी एटीएस ने जिशान कमर को पकड़ा था, जिसके बाद आतिक अहमद और अशरफ से उसकी नज़दीकी का खुलासा हुआ था। जिशान कमर सितंबर 2021 में प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तान जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग और जिहाद में हिस्सा लेने का मामला सामने आया था। वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता था। साल 2017 में आतिक के भाई अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक सिफारिश पत्र लिखा था, जिसमें जिशान का पासपोर्ट जल्दी बनाने के लिए कहा गया था। जिशान की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। एटीएस ऐसे लोगों के दस्तावेज खंगाल रही है जिनका पासपोर्ट बनाने के लिए अशरफ और आतिक ने सिफारिश की हो। ये भी जांच की जा रही है कि ऐसे कितने सिफारिश पत्र भेजे गए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।